सो ऑलरेडी हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, तो जल्दी से हम सरोजनी नगर का ब्लॉग बनाते हैं। सो जल्दी से हम दिखाते हैं कि हम क्या क्या लेके आए हैं, और स्टार्टिंग हम इससे ही करते हैं। आई विश मेरे डॉगी ना आ रहा हो इस वीडियो में, क्योंकि 15 मिनट से मैं उसको इस वीडियो से हटाने की कोशिश कर रही हूँ और वो नहीं हट रहा है। ओके अगेन। ओ गॉड यार, ये वाला ब्लॉग बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा है, बिकॉज मेरा डॉगी बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। तो चलो हम दिखाते हैं कि हमने सरोजनीनगर मार्केट से क्या क्या लिया। टन टन। तो फर्स्ट हमने लिया, इसको वेरीफाई करने के लिए मेरा डॉगी आ रहा है, वो सुन के बताएगा कि फाइनल लाइक क्या लिया है। चलो दादा, तो फर्स्ट हमने लिया है ये व्हाइट कलर का बेली। ये ब्लॉग मुझे लग रहा है बहुत फनी बनने वाला है, बिकॉज चिंकू बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है। सो ये हमने लिया है 350 रुपीज का। इसकी क्वालिटी देखो कितनी अच्छी है। सो एक हमने ये बेली ली है, और हमने एक और वाइन कलर की बेली ली है, ये भी हमने ली है 350 रुपीज की, और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, देख रहे होंगे आप। अब और हमने लिया है ये एक क्रोसेट, पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं। तो एक हमने ये लिया है, ये है पिंक कलर का, और हम लड़कियां हैं तो पिंक तो लेना बनता है। सो हमने एक ये शर्ट पिंक कलर की, और इसके नीचे हमने लिया, इसके नीचे हमने क्या लिया, इसके साथ ही आया है ये पिंक कलर का ट्राउजर, और ये हमने लिया है 800 रुपीज का, और इसके अंदर कुछ और भी है, जादू आई थिंक गॉगल, इसके अंदर गॉगल्स हैं। और बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि मुझे मेरे लिए नहीं मिला, ये माही का गॉगल्स है। बट ये मेरे पे कैसा लगता है, लेट्स सी। लग रही हूँ ना मैं पेवो। सो ये शेड हमने लिया है बहुत बार्गेनिंग करके, 450 रुपए बोल रहा था वो, हमने 200 रुपए में लिया है, 200। और मेरे ब्लॉग में कैसे चिंकू आता हुआ शेड कपड़े का सीन हटाने के बाद हम स्टार्ट करते हैं कि हमने और क्या क्या लिया है। सो प्लीज इस वाले पार्ट को स्किप कर दीजिएगा, ये बहुत तंग कर रहा है, और वीडियो तो ऑब्वियसली बनानी है तो कुछ नहीं कर सकते। ये टॉप लिया है हमने, आई थिंक ये बहुत अच्छा लगेगा पहना हुआ, ओनली 250 रुपीज का, और ये पता नहीं मुझे इसमें ज़ारा का टैग भी है और ये ज़ारा का है या नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकती। सो ये टॉप लिया है हमने 250 रुपीज का, और एक और हमने ब्राउन कलर का टॉप लिया है, और इसको वेरीफाई करने के लिए शायद से मेरा डॉगी आ रहा है। ये हमने एक और ब्राउन कलर का टॉप लिया, क्रोगर का डिजाइन कितना प्यारा है, ये हमने लिया है 350 रुपीज का, आई थिंक ये पहना हुआ बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और हमने लिया है, क्या निकला क्या निकला, जैकेट, डेनिम जैकेट, और ये हमने रफ डेनिम जैकेट लिया है ओनली 250 रुपीज की, यो, और ये बहुत कूल है। आ तो नहीं रही है। सो और देखते हैं हमने और क्या लिया है, और हमने दो शॉर्ट्स लिए हैं। एक हमने लिया है ब्लू कलर का शॉर्ट, इस पे फ्लावर प्रिंट बन रहा है, और ये हमने मात्र मतलब कि ओनली 200 रुपीज का लिया है एक शॉर्ट्स, और ये काफी कूल लगेगा पहनने के बाद। सो और एक हमने लिया है डार्क एंड लाइट शेड का शॉर्ट्स है, हाई वेस्ट, ये भी हमने 200 रुपीज का लिया है, तो ये भी पहनने के बाद बहुत कूल लगेगा। और हमने लिया है, देखते हैं इसमें से क्या निकलता है,
इसमें हमने एक ये स्कर्ट ली है, ये विंटर की स्कर्ट है और काफी अच्छी लग रही है। तो ये हमने ली है 200 रुपीज की। और आई विश मेरा डॉगी नहीं आ रहा। हाँ, और ये ऑब्वियसली मैंने अपने जिम के लिए एक टॉप लिया है और ये मैंने लिया है ओनली 150 रुपीज। और वन मोर स्कर्ट, विंटर्स आ गई है बट स्टिल पता नहीं मैंने इतनी स्कर्ट्स क्यों ली है। तो एक स्कर्ट ली है मैंने, ये रॉयल ब्लू कलर की। आई थिंक मुझे लगता है मुझ पर रॉयल ब्लू कलर अच्छा लगता है, और अगर ये मुझे लगता है कि सच में मुझ पर रॉयल ब्लू कलर अच्छा लगता है, तो मेरी इन आउटफिट में पोस्ट देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, प्रीति पॉल 19। तो ये स्कर्ट लिया मैंने ओनली 250 रुपीज की, जो कि आपको अनदर अगर आप किसी ब्रांड पे जाते हो लेने तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा महंगी मिलेगी। और इसमें से निकला है आई थिंक एक हाई नेक क्रॉप टॉप, वो भी वुलन। इसको हम इतनी सारी स्टाइलिंग के साथ पहन सकते हैं कि मतलब कि शायद से मैं पूरा एक वीक इसको स्टाइलिंग कर करके पहन सकती हूँ। और ये मैंने सिर्फ 150 रुपीज का लिया है। और कुछ बचा है आई थिंक नहीं। सो यही मेरा ब्लॉग खत्म होता है। चांचा नाम।